सब्सक्राइब करें और साथ प्रेस करें बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके। वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त लाया हूँ मैं अपनी हॉन्डा सिटी, ऑल्सो नोन एज स्पारो, और आज इसका मैंने ये खुलवाया हुआ है साइड पूरा, कह सकते हैं चैनल वगैरह। उसकी वजह ये कि मैं जब भी शीशे ऊपर नीचे करता था तो बेशतर अवकात ऐसे होता था कि शीशा फंस जाता था, ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाके ऊपर ऊपर की तरफ करूँ तो नीचे लग जाता था। तो आज मैं आया हूँ अपने इलेक्ट्रिशियन के पास और ये शीशा मेरा पूरा खुलवा के अभी इसका मैं चैनल सेफ करा रहा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो चैनल साफ किया जा रहा है, हाँ जी, ये वो मिट्टी है जिसकी वजह से फंस जाता है, काफ़ी फंस जाता है शीशा, और आपका शीशा अप डाउन होता है जब आप डाउन पे ऊपर करते हैं। जब ये हो तो फिर WD-40 भी नहीं काम करता, कोई चीज़ काम नहीं करती। वो WD-40 मिट्टी को और मजबूत कर देगी, वो निकलेगी नहीं जब तक बिल्कुल ये आप साफ नहीं करते। ये आप देखें बड़ी डिटेल में नज़र आ रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। इसकी सफाई जा रही है, प्रेशर वॉश किया जा रहा है। तो ये सारी ग्रीस है ना, इसके इसके साथ किस तरह चढ़े बिल्कुल। ये देखिए ब्रश, जी ये हमारे डॉक्टर वसीम साहब, इलेक्ट्रिशियन वसीम साहब। जी वसीम भाई क्या कह रहे हैं आप? असल में ये होता है कि जिधर ये शीशा चलता है ना, हाँ हाँ, यहाँ पे ये चैनल में चलता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो लोग यहाँ पे रबट होती है, रबट को खुलवा के, इसको चैनल बोलते हैं, वो खुलवा के साफ नहीं करवाते, उसमें डस्ट आ जाती है, डस्ट आ जाती है, जिसकी वजह से ये शीशा फिर जाम हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पे ये शीशा चैनल में चलता है तो जाम हो जाता है। अभी इसमें इतनी ज्यादा डस्ट थी तो मैंने इंशाल्लाह इसको अभी साफ कर दिया है, तो अभी आपकी मोटर भी कमजोर नहीं होगी, जो मोटर है क्योंकि जाम होगा तो मोटर जल्दी खराब हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी जो है तो ये इसको कराना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी क्योंकि है, स्प्रे से काम नहीं होगा, नहीं है, नहीं करवाते, ये गाड़ी वाला ज्यादातर लोग करवाते नहीं है, लिहाजा इसको साफ करवाना चाहिए। बिल्कुल ये साफ होगा तो आपका शीशा सही चलेगा। तो आप देखिए बिल्कुल नाइस एंड टाइडी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा। और ना इसको मुबलैल देना चाहिए चैनल ऑयल, हाँ लोग ये गलती करते हैं, और ग्रीस बिल्कुल नहीं देनी चाहिए चैनल को, मोटर को आपको देनी चाहिए, जो मोटर होती है इसकी जो ऊपर नीचे जाती है उसको देनी चाहिए, ऑयल या ग्रीस इसको नहीं दी, क्योंकि इसमें ग्रीस या ऑयल देंगे चैनल को तो वो मिट्टी जल्दी पकड़ करेगी। अच्छा अच्छा, ये आगे जी हमारा चैनल बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल नहीं, इसमें डस्ट नहीं है, डस्ट होगी तो शीशा आपका जाम होगा। ऐसा ही इंशाल्लाह अभी फिट करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। शीशा खराब लेता होगा जी, मोटर भी खराब होगा। देखें एडवाइस देना आप लोगों के अपने तक है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तीन लेफ्ट में,
वो उन पर फोकस करना ज़रूरी है। हम इससे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाते हैं सिर्फ WD-40 स्प्रे करते हैं, जैसे लाइक आई डिड, मैंने जाकर WD-40 स्प्रे करके नीचे ग्रीस वगैरह लगा के काम ख़त्म कर दिया, लेकिन जो मेन जो प्रॉब्लम था चैनल का वो शुरू फिक्स नहीं हुआ। आज उसी भी काम हुआ है जो कि आपने डिटेल में लिखा है। नाउ आई एम गोना शो यू द फाइनल रिजल्ट। एंड वी वर जस्ट लाइक दैट, काम हुआ ख़त्म और सेटिस्फेक्शन जो है वो एक अनदर लेवल की है। इतना स्मूथली उतर रहा है और ये चढ़ रहा है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन। और जो एक टेंशन थी ना, जो एक ख्वारी जो इतने काटने के बाद जो सुकून महसूस हो रहा है, वो बयान नहीं किया जा सकता आपको। क्योंकि यही हल है कि जब तक आप चैनल साफ़ नहीं कराएंगे इसका, तो उस वक्त तक जो है आपका शीशा प्रॉपरली काम नहीं करेगा और मोटर पे आपकी लोड आता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक इन फॉर मोर इनफॉर्मेटिव कंटेंट। आल्सो यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और साथ प्रेस करें बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके।